आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी अदाकार फिरोज खान की, जिन्होंने अपने टैलेंट और एक्टिंग से लोगों को अपने आप को देखने पर मजबूर कर दिया। फिरोज 11 जुलाई 1990 में क्वेटा में पैदा हुए। इनकी उम्र 32 साल है, मगर ये लगते 25 साल के ही हैं। इन्होंने बहुत से हिट ड्रामों में काम करके अपनी पहचान बनाई है। 2018 में इनकी शादी सईदा अलीदा फातिमा रजा से हुई। शादी बहुत धूमधाम और खुशियों से मनाई गई। 30 मई 2019 में फिरोज और अलीजा के यहाँ छोटे बच्चे मोहम्मद सुल्तान खान की आमद हुई। सुल्तान की पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद फिरोज और अलीजा की लड़ाइयाँ शुरू हो गईं और इन दोनों ने एक दूसरे से अलीहदगी का फैसला इख्तियार कर लिया। मगर फिर कुछ ही दिन बाद इन दोनों ने अपने इंस्टा पर पोस्ट शेयर की और आपस में तमाम इख्तलाफात दूर कर दिए। 14 फरवरी 2022 को फिरोज और अलीजा के यहाँ एक नन्ही परी भी आ गई और इन्होंने इसका नाम फातिमा खान रखा। मगर अब हाल ही में फिरोज और अलीजा ने अपने इंस्टा अकाउंट पर स्टोरीज लगाई हैं, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि इन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया है। अलीजा ने अपने अकाउंट पर पोस्ट भी की हुई है और फिरोज ने भी अपने इंस्टा पर ढेर सारी स्टोरीज लगा रखी है, जिससे साफ वाजे हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ खास खुश नहीं थे, इसलिए इन दोनों ने अलहदा होना ही मुनासिब समझा। इन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टा पर अनफॉलो भी कर दिया है। इस सब के बाद अवाम और इनके फैंस का भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया है। लोगों ने फिरोज खान को इन सब चीजों का कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया है। लोगों ने ये भी कहा कि ये सब एक जैसे ही हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं और ये लोग दोबारा शादियां कर लेते हैं।